कहूंगा आप मोदी साहब है दूसरी साइड पे मैं को अमना का फैन आप मोदी साहब लेकिन एक उन्होंने चीज की है नेशनलिज्म दिया है उन्होंने उन्होंने सारे हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया हाँ खान साहब भी पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट थे लेकिन लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं कर सकते इमरान खान साहब इज अ वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर कुछ भी डिलीवर कर पा नहीं रहे आज के इस वीडियो ब्लॉग में भारत पाकिस्तान और चीन के संबंधों को लेकर पाकिस्तानी मूल के एक नागरिक साजिद तरार जो अमेरिका में अभी रहते हैं और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के प्रबल समर्थक थे उनका साक्षात्कार पाकिस्तान के एक पत्रकार कमर चीमा ने लिया है उसका विश्लेषण करेंगे साक्षात्कार में उन्होंने बेहिचक यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान अपने देश को चीन के हाथों बेच रहा है पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी अब तक के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साबित हुए हैं अभी तक कोई ऐसे फैसले नहीं लिए हैं जो राष्ट्रहित में हो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम हिंदुओं में राष्ट्रभावना जागृत करके उन्हें एक बैनर तले इकट्ठा किया है साजिदार के बयान का विश्लेषण हम इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे उसके पहले आइए सुनते हैं उनके साक्षात्कार का कुछ अगला अंश कि पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ चाइना को दे दिया है तो मुझे ये बताएं जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तो फिर मुझे बात बताएं अमेरिका का तो सिक्योरिटी एजेंडा था पाकिस्तान में अफगानिस्तान की वजह से चीन का तो इस वक्त कोई सिक्योरिटी एजेंडा नहीं है सो तो हमारे ऊपर तो अगर आज चीनी पाकिस्तान में पैसा लगाते हैं पैसा देते हैं यहाँ पे ग्वादर को बिल्ड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है तो ये पैसा कहाँ से आना था अगर आया है तो जारी बात है जब छोटा मुल्क होगा तो उस तरह के इंसेंटिव तो यहाँ पे वो अगर इकोनॉमिक जोन बनेंगे इंडस्ट्री अगर कल हमारी कैपेसिटी इंडस्ट्री तो हमने खुद लगानी है ना चीन ने तो नहीं लगानी तो आप इस सारे जो पैसा चीन से आ रहा है इसको क्यों समझते हैं कि हमने बेच दिया देखिए दो बेचे इस तरीके से कि आपने कभी उसकी टर्म्स डिस्क्लोज की लोगों को कि कितने इंटरेस्ट रेट पे चाइना आ रहा है पैसा आपने कभी लोगों को बताया कि चाइनीज कंपनियां कितनी किकबैक दे रही है लोगों को यहाँ पे पॉलिटिशियंस को एस्टेब्लिशमेंट को आपने कभी बताया कि आपकी सड़कें वो क्यों बना रहे हैं लेबर आपकी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं वो और दूसरा उसको छड़े आप कहते हैं डिफेंस का उनका इंटरेस्ट नहीं है इंडिया के साथ अगर आप लवी डबी होते तो चाइना ने कभी नहीं आना था आपके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट उनके इश्यूज है उनके साथ वो इसलिए आपको लवी डबी करते हैं इमरान खान साहब इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर कर पा नहीं एक उन्होंने चीज की नेशनलिज्म हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया खान साहब भी पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट थे लेकिन लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं कर सके और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक्सटर्नल इंटरनल कोई मैटर ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन चीजें इन्वॉल्व ना हो आपके नॉन सीरियस है उसमें बिल्कुल जो बाइडन क्या करेंगे जब तक आप पाकिस्तानी खुद नहीं करना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे मेरी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देना चाहूंगा आपके सारे आपके सारी लेबर जो है वो जाके सऊदी अरेबिया और दुबई की सड़कें बना रही है आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहे हैं आपके हर चैनल के ऊपर बैठे तो वो कहते हैं चाइना 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 हर चैनल का मालिक जो है उसके बच्चे इंग्लैंड या न्यूयॉर्क बैठे हैं आपकी स्टेबलिशमेंट सारी की सारी अपने बच्चों को कैनेडा इंग्लैंड और लंदन रखना चाहती है मुलक चाइना को बेच दिया आपके कैबिनेट में इस वक्त कितने वजीर चाइना से पढ़ के आए हैं आपके कितने एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टियां चाइना में रखी आप देखना चाहते आप रहना चाहते हैं खुद लंदन में और न्यूयॉर्क में मुलक बेच दिया आपने चाइना के सामने तो ये आपका तो एक मेरा मतलब नॉन सीरियसनेस की चीजें हैं मेरा आपके जो प्राइम मिनिस्टर आपके जो फॉर फॉरन मिनिस्टर है वो पोलिटिकल बंदा उनकी वो आप देखें मैं हैरान होता हूँ फैटम पे आपको अफगानिस्तान ने वोट नहीं दिया आपको सऊदी अरेबिया आपसे दूर चलता जा जा रहा है बिल्कुल मुसलसल दुबई से आप आप दुबई की हालात देखिए आपके वीजे वहां बंद है तेईस लाख बंदा बेरोजगार होकर पाकिस्तान आने वाला है आप उनको चाइना भेजेंगे चाइना को कह रहे कि हमारी लेबर ले, ले लें आपकी फार्म आपके किसी के किसी के कहते हैं किसी को जो रहेगी कोई सोच रहा है कि तेईस लाख लोगों को वापस किस तरह भेजना रहे जो फॉरन वो रेमिटेंस आती थी उसका अगर नहीं आएगी तो क्या होगा कोई बिल्कुल नहीं कोई सीरियस ही नहीं है कोई किसी चीज में सीरियस नहीं है कश्मीर को आपने बिल्कुल भूल भुला दिया आपने उस पर वहां चाहे कर्फ्यू हो कुछ भी हो जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम चौबीस घंटे में कश्मीर ले लेंगे आपने उसको रिबर्ट किया नहीं किया ये असल में ये बातें नेशनलिज्म पे होती हैं अब मैं सबसे बड़ी बात कहूं आपकी जियोग्राफिक लोकेशन को यूज करते हैं और आपको पता है कि चाइना के रिलेशनशिप टर्म फाइनेंशियल बेसिस पे होते हैं उनका कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता चाइना का चाइना का बिल्कुल मुझे आज तक याद है मुझे एक अमेरिकन एम्बेसडर ने एक दफा कहा था कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताओ कि अमेरिका हमेशा ग्रांट्स और एड्स दे, एड देता है चाइना हमेशा देता है और वो भी ऐसे कर्जे होते हैं किस तरीके से कर्जे देकर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर टेक ओवर करता है जिस तरह श्रीलंका बंदरगाहक ओवर कर ली उनको जरूरत थी बंदरगाह को यूज करने के लिए वरना आपके साथ उनका क्या इंटरेस्ट है कोई इंटरेस्ट नहीं और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपके देखने वालों को

द यूरो एशियन टाइम्स ने अपने कल 16 दिसंबर 2021 के अंक में एक सनसनीखेज समाचार प्रकाशित किया है समाचार में यह सवाल उठाया गया है कि क्या पाकिस्तान चीन के कर्जों तले इतना दब गया है कि अपनी राजनीतिक और सामरिक स्वतंत्रता जो एक देश के लिए बड़े गर्व की बात होती है चीन के हाथों गिरवी रख दिया है कुछ इसी प्रकार की बात आज के साक्षात्कार में भी साजिद तरार द्वारा किया गया है चीन अपने वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान में सी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत काम कर रहा है जिसके अंतर्गत चीन से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक रोड निर्माण का काम तथा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का विकास का काम मुख्य रूप से शामिल है चीन इस परियोजना के लिए जो पैसा पाकिस्तान को दिया है उसमें से 20 परसेंट बिना ब्याज के है और अस्सी पर ब्याज सहित वह कर्जा दिया है ब्याज की दर क्या है अभी तक पाकिस्तान सरकार ने इसका खुलासा अपनी जनता को नहीं किया है जबकि प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले रोड पर माल ढुलाई के लिए प्रथम अधिकार चीन का होगा लेकिन पाकिस्तान सरकार को चीन पर कोई भी टोल टैक्स चुंगी या रोड टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होगा पाकिस्तान के स्टेट बैंक द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान पर कुल कर्ज पचहत्तर बिलियन डॉलर है जो उसके जीडीपी से भी ज़्यादा 107 परसेंट है अगर कोई देश का कर्जा उसके जीडीपी से ज़्यादा होता है तो वह उसके देश की आर्थिक बदहाली या दिवालियापन की निशानी है पाकिस्तान ने जो कुल कर्जा विदेशों से लिया है उसमें से अकेले चीन का कर्जा एक चौथाई से भी ज़्यादा यानी 17.1 बिलियन डॉलर है जो देश इतना कर्ज देगा स्वाभाविक है वह अपनी शर्तें भी कुछ रखेगा और इसका ताज़ा उदाहरण श्रीलंका का हबन पटोटा बंदरगाह है जिसको चीन ने विकसित किया था और उस पर खर्च वाली राशि इतनी ज़्यादा हो गई थी कि श्रीलंका सरकार उसको लौटाने की स्थिति में नहीं थी तो चीन ने उसको निन्यानवे साल के लिए अधिग्रहण कर लिया अपने हिस्से ले लिया चीन जब किसी प्रोजेक्ट पर पैसा देता है तो प्रोजेक्ट की लागत से लेकर उसके अंत तक सारी चीज़ें अपने द्वारा तय करता है मसलन उसमें मजदूर भी अपना लाता है उसमें काम करने वाले इंजीनियर भी अपना देता है और कोशिश यह भी कर देता है कि मटेरियल भी चीन के द्वारा ही लाकर यहाँ पर लगाया जाए अब सारे स्तरों पर प्रोजेक्ट के निर्माण से लेकर मेटेरियल सप्लाई तक चीन मनमाने ढंग से उसकी लागत तय करता है और इन सबको कर्जे के रूप में संबंधित देश से वसूल करता है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज पर चलती है चूँकि सऊदी अरब यू आदि देश जो पाकिस्तान की आर्थिक मदद हमेशा से करते थे अब पाकिस्तान से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं कारण पाकिस्तान की गलत विदेश नीति है और अब ले देकर केवल चीन का ही भरोसा पाकिस्तान को है और चीन चूंकि आर्थिक मदद कर रहा है तो पाकिस्तान के इस मजबूरी का वह फायदा उठाएगा ही आज के लिए बस इतना ही आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय हिंद